Indian Railways endeavoring to strengthen the salt industry. India is the third largest salt producer in the world with an annual production of over 22 million tons. Its production is largely concentrated in Gujarat 77%, Tamil Nadu 11% and Rajasthan 10%. Owing to this skewed regional production, timely and bulk transportation of salt to the rest of the country becomes paramount. Though Indian Railway loads salt in covered wagons, it is unable to carry large amounts. Therefore, to increase the rail share of salt, Indian Railways has decided to develop two new types of wagons which would enable bulk transportation of bigger bags, utilization of full potential of loading of wagons and carriage of loose salt. Designed by RDSO in a record time of 4 months, Indian Railways is ready open wagon with FRP lining and tarpaulin cover and covered wagon FRP sliding roof. Open wagon FRP line, a variant of already in use in Indian Railways. The standard open wagon of Indian Railways has been modified to incorporate sealed doors to allow loading of salt from the sides. The entire interior has been fortified with corrosion-resistant FRP lining, thus making it the first wagon of its kind to be suitable for loading of loose unpacked salt. A collapsible roof attached to the wagon keeps the salt safe from changing weather conditions during transportation. Rama Krishna Jeweler. Rama Krishna Jewelers. रखें अपने प्यार को बरकरार, दीजिए गहनों का उपहार रामाकृष्ण ज्वेलर्स, विशेष रिश्तों के लिए विशेष उपहार रामाकृष्ण ज्वेलर्स, डिजाइन पैटर्न कलेक्शन के लिए रामाकृष्ण ज्वेलर्स, एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट डिजाइन के गोल्ड, डायमंड, कुंदन और पोलकी की ज्वेलरी के लिए रामाकृष्ण ज्वेलर्स, रामाकृष्ण ज्वेलर्स, D34 मेन रोड सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर 2, New Delhi 110024. Rama Krishna Jeweler. Rama Krishna Jewelers. Swasth Man Swasth Jeevan. Hindi track follows. Swasth Man Swasth Jeevan. Swasth Man Swasth Jeevan. Doston Namaskar. प्रस्तुत है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये साप्ताहिक कार्यक्रम स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन। स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुशियों के फूल खिलते रहें और उसके जीवन की बढ़िया सदा महकती रहे। जी हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर और डॉक्टर पूजा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ समीर। और मैं हूँ डॉक्टर पूजा। दोस्तों, कई अध्ययनों के आधार पर देखने में आया है कि भारत में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मानसिक रोगों के उपचार और काउंसलिंग के लिए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उचित व्यवस्था की जा रही है, और साथ ही हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए भी मानसिक रोगों और उनके उपचार के बारे में आवश्यक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आज एक बड़ी चुनौती जो आधुनिक समय यानी मॉडर्न टाइम की देन है, वो है एंग्जायटी। क्यों डॉक्टर पूजा? जी हाँ समीर। दोस्तों, विषय थोड़ा सा गंभीर हो गया है, तो मेरे ख्याल से एक संगीतमय अल्प विराम हमें ले लेना चाहिए। दोस्तों, मैं समीर और डॉक्टर पूजा एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं। डॉक्टर पूजा, अब बताइए कि कितनी प्रकार की होती है ये एंग्जायटी? समीर, एंग्जायटी के कई प्रकार होते हैं। आशा दीदी, ये देखो, मुन्ने के दांतों पर चौक की तरह के सफेद धब्बे। ये तो फ्लोरोसिस के लक्षण हैं। फ्लोरोसिस, ये क्या है? पीने के पानी या कुछ खाने की वस्तुओं में अधिक मात्रा में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। अगर समय पर इसकी जांच करवाकर बचाव ना किया जाए तो हड्डी और दांतों को हमेशा के लिए नुकसान हो जाता है। जांच करवाने के लिए क्या करना चाहिए आशा दीदी? प्लास्टिक की बोतलों में पेशाब और पेयजल का नमूना जांच के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। देश भर के सभी फ्लोरोसिस प्रभावित जिलों में ये जांच निःशुल्क की जाती है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं रोकथाम कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी।